आज हम बात कर रहे हैं अंकेक्षण ऑडिटिंग। अंकेक्षण क्या है, इसका अर्थ क्या है, उत्पत्ति और उद्गम क्या है, परिभाषा इसे कैसे परिभाषित किया गया विद्वानों ने, और इसके तत्व, गुण, लक्षण और विशेषता की। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि अंकेक्षण की उत्पत्ति और उद्गम कैसे हुआ। अंकेक्षण शब्द अंग्रेजी शब्द ऑडिटिंग से लिया गया है, जो लेटिन शब्द अडायर से बना है, जिसका अर्थ है सुनना, टू हियर। और ये जो सुनने की प्रक्रिया थी, प्राचीन परिवेश में मिश्र, यूनान और रोम में वहाँ के चतुर लेखापालकों के द्वारा हिसाब किताब बनाया जाता था, उन्हें न्याय संबंधी अधिकारियों के समक्ष सुनाया जाता था। धीरे धीरे वर्तमान परिवेश में, कालांतर में यही प्रक्रिया, यही सुनने की क्रिया अंकेक्षण के नाम से जानी जाने लगी। अब अंकेक्षण होता क्या है, ऑडिटिंग क्या है? किसी भी व्यापार, व्यवसाय, उपक्रम या संस्था के दिन प्रतिदिन होने वाले हिसाब किताब को जो लेखा कर्म में संजोया जाता है, लेखा बहियों में जिसे संचित किया जाता है, जिसे दर्शित किया जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस और चिट्ठा बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाई जाती है, उसे सत्य प्रमाणित करना, उसे विश्वसनीय बनाना, उस पर प्रमाणकों के आधार पर एक किसी जांच करना के साथ अनुसंधान करना या किसी विवेचनात्मक जांच करना जो स्वतंत्र व्यक्ति के द्वारा, अटेंशन करिएगा, स्वतंत्र व्यक्ति जो फुल स्किलफुली है, यानी जो पूरी तरह से मान्यता प्राप्त, पात्रता प्राप्त व्यक्ति है, जिसे हम ऑडिटर के नाम से जानते हैं, उस व्यक्ति के द्वारा जब किसी संस्था के खातों की जाँच की जाती है, तो इस जाँच कार्य को ही अंकेक्षण के नाम से जाना जाता है। सो आई होप कि आप ये जान चुके हैं कि अंकेक्षण है क्या, यानी किसी भी संस्था, किसी भी उपक्रम, किसी भी व्यापार में जो लेखा बहियां हैं, जो लेखा पुस्तकें हैं, उन्हें जांचना, उन्हें सत्य प्रमाणित करना, उन्हें विश्वसनीय प्रमाणित करना, और यह परम आवश्यक भी है, क्योंकि कंपनी का संचालन अंशधारी नहीं करके, अंशधारियों ने बेशक अपने शेयर्स लिए हैं, वे मालिकाना हक भी रखते हैं, लेकिन वहाँ का प्रबंध संचालन जो है वो प्रबंधकों के द्वारा, मैनेजर्स के द्वारा, संचालकों के द्वारा, यानी डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है। और इस बात का क्या प्रमाण है कि जो प्रबंधक है या जो किसी संस्था में, किसी उपक्रम में जो लेखापाल है, जो अकाउंटेंट है, उन्होंने जो लेखा कर्म किया है, जो लेखा पुस्तकों को तैयार किया है, वे उचित है और सही है। सो प्रमाणकों के आधार पर की जाने वाली एक ऐसी जांच जो किसी संस्था के लेखा पुस्तकों को विश्वसनीय बनाती हो, सत्य बताती हो, उचित बताती हो, और जिस पर विनियोजक, इन्वेस्टर्स, बैंक भरोसा कर सके और उस संस्था में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो सके। सो अंकेक्षण और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिसाब किताब की जाने वाली एक जाँच या अनुसंधान है या विवेचनात्मक एक प्रक्रिया है। आइए परिभाषा क्या है इसे जानते हैं। कई विद्वानों ने इसे परिभाषित किया, और देखिए जब आप थ्योरेटिकल कोई आंसर सॉल्व करते हैं, तो आपने वहाँ पर अटेंशन करना चाहिए कि आप कुछ शब्दों को इस तरह प्रस्तुत करें, इस तरह प्रेजेंट करें कि आपका आंसर एक अट्रैक्टिव वे में आ जाए। सो आप परिभाषा लिखने से पहले दो लाइन जरूर से मैंशन करिएगा कि अंकेक्षण शब्द एक विशद और विस्तृत शब्द है, जिसे शब्दों की परिधि तक सीमित नहीं किया जा सकता। सीमित करना असंभव तो नहीं है, किंतु मुश्किल जरूर है, तथापि कुछ विद्वानों ने इसे यूं परिभाषित किया है। देन आप जो भी राइटर की परिभाषा उसमें मेंशन करना चाहे, हम वैसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स अवेलेबल करवा रहे हैं, आप उसमें से जरूर से देखिएगा। यहाँ हम एक परिभाषा आपको इसमें बता रहे हैं कि अंकेक्षण दूसरे व्यक्तियों द्वारा बनाए गए चिट्ठे, लाभ हानि खाता और इससे संबंधित लेखक पुस्तकों की एक ऐसी जाँच है, जिससे यह विश्वास हो जाए और ये रिपोर्ट दे दी जाए कि वो ईमानदारी से बनाया गया है। ये जो परिभाषा है ये डी पोला के द्वारा दी गई है। ओके, आइए अब जानते हैं इसके तत्व, गुण, लक्षण, विशेषताएं क्या है। सबसे पहला तत्व, संस्था का अंकेक्षण, यानी अंकेक्षण किसी भी संस्था का किया जा सकता है, और यहाँ पर इसे व्यावसायिक उपक्रम से एक विशद आकार में ले जाया गया है। और सब यहाँ अभी आप देखिएगा, विश्वविद्यालय, क्लब, औषधालय, किसी भी संस्था का अंकेक्षण ऑडिटिंग करवाया जा सकेगा। दूसरा तत्व बनता है स्वरूप कैसा भी, अर्थात जिस संस्था का ऑडिटिंग करना है, जिस संस्था की जांच करनी है, उसका स्वरूप कैसा भी हो सकता है, प्रशासनिक, वित्तीय, धर्मार्थ, सरकारी या और कोई भी प्रकार की जो विधानिक संस्थाएं, उन सभी का अंकेक्षण भी किया जा सकता है। तीसरा तत्व बनता है आकार कुछ भी, अर्थात
किसी भी आकार की संस्था हो, लार्ज स्केल पर वो अपना बिजनेस रन कर रही हो, कैरियर कर रही हो, या छोटा सा व्यापारी जो एकल स्वामी है अपने व्यापार का, यानी किसी भी आकार की संस्था हो, किसी भी पैमाने पर वो व्यवसायिक जगत में अपना बिजनेस कर रही हो, उस संस्था का अंकेशन किया जा सकेगा। लेखा पुस्तकें, हाँ जी अटेंशन करिएगा कि अंकेक्षण करना है लेकिन विषय वस्तु क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, किसका अंकेक्षण किया जाना है, किसकी जांच की जानी, अनुसंधान किसका किया जाना है। तो जो लेखा पुस्तकें रखी जाती है, लेखा पुस्तकें अर्थात दिन प्रतिदिन कौन से सौदे हुए, कौन से वित्तीय व्यवहार हुए, लाभ हानि खाता क्या स्थिति दर्शा रहा है, चिट्ठा क्या दर्शा रहा है, कितना एसेट्स है, कितना प्रॉफिट एंड लॉस है, इस सभी आर्थिक स्थिति को दर्शाने के लिए लेखा पुस्तकें रखी जाती है। और जी हाँ, वही लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण और जांच की जाती है। सो अंकेक्षण की विषय वस्तु क्या है, सिर्फ और सिर्फ लेखा पुस्तकें। नेक्स्ट, वित्तीय सूचनाओं की जांच। जो भी वित्तीय सूचनाएं हैं, जो एक निश्चित समय के लिए, जो एक वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय सूचनाएं हैं, उन आधार पर, उन सभी सूचनाओं के आधार पर इस जांच को किया जाता है। अर्थात जब कोई जांच की जाती है, जब कोई अनुसंधान किया जाता है, तो सबसे पहले यह मस्ट होता है, यह आवश्यक होता है कि उसका आधार क्या है। तो वित्तीय सूचनाओं के आधार पर इसे किया जाता है। विवेचनात्मक जाँच, अंकेक्षण एक विवेचनात्मक जाँच है जिसे पूरी तरह से योग्यताधारी व्यक्तियों के द्वारा विवेचनात्मक तौर पर किया जाता है। 7 पॉइंट बनता है प्रमाण को व अन्य सूचनाओं के आधार पर। जब एक ऑडिटर किसी संस्था, किसी उपक्रम में जांच कार्य शुरू करता है, अनुसंधान शुरू करता है कि उस वित्तीय स्थिति क्या है, तो वहाँ सबसे पहले आवश्यक होता है कि किस आधार पर वो अपनी रिपोर्ट दे रहा है। सो प्रमाणकों और वाउचर्स जो होते हैं, उस बिहाफ पर, उस आधार पर वो अपनी जाँच कार्य को करता है। स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा इस जांच कार्य को ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो संस्था से, उस उपक्रम से रिलेटेड ना होता है, वहाँ का कार्मिक नहीं होता है। अर्थात वह एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है जो इस संस्था का कोई भी कर्मचारी ना होकर के निष्पक्ष रूप से अपना जांच कर सके। नेक्स्ट है इसमें बुद्धिमत्तापूर्ण। ओके, AASB ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा पर्याप्त योग्यताधारी, पात्रताधारी, स्किलफुल व्यक्ति, जिसे हम ऑडिटर कह रहे हैं, उस व्यक्ति के द्वारा इस जांच कार्य को किया जाता है। तो निसंदेह बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है। नेक्स्ट है जांच का उद्देश्य। क्यों इस जांच को किया जा रहा है? क्योंकि हर कार्य एक उद्देश्य के लिए किया जाता है। सो यहाँ पर इस जांच का जो उद्देश्य है, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट जो निकलता है, वो है कि उस संस्था का प्रॉफिट एंड लॉस और उसका जो बैलेंस शीट है, वो सही बनाया गया है या नहीं, नियमानुकूल बनाया गया है या नहीं। क्योंकि यह अपेक्षित है विधिक नियमानुसार कि ये जो अकाउंटिंग की जा रही है, ये जो लेखा पुस्तकें रखी जा रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जा रहा है, उसे नियम के अनुसार बनाया है या नहीं बनाया। 11th पॉइंट है रिपोर्ट देना। जब ये जांच कार्य हो जाता है, तो अंकेक्षक के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट है स्वतंत्र जांच। ये पूरी तरह से एक स्वतंत्र जांच है जिसमें निष्पक्षता का समावेश है, किसी भी प्रकार का बायस नहीं होता है ऑडिटर, और उस जांच को, उस रिपोर्ट के आधार पर हर व्यक्ति उस पर विश्वास कर सकता है। नेक्स्ट है प्रशासनिक अंकेक्षण। अर्थात अंकेक्षण सिर्फ लेखा पुस्तकों का ही नहीं, बल्कि अन्य सूचनाओं का भी किया जा सकता है, और किसी कंपनी में अंश हस्तांतरण रजिस्टर है तो उसकी भी जांच की जा सकती है। सो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स अवेलेबल हैं, वह देखिएगा।